चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भरतपुर सांसद रंजीता कौली के घर पर फायरिंग हुई है। धमकी भरा एक खत भी मिला है मौके पर। फोटो पर चिपका मिला जिंदा कारतूस। पहले भी रंजीता पर हो चुका है हमला। सांसद रंजीता की तबीयत बिगड़ी है। परिजनों ने सांसद को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलने पर बयाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फायरिंग करने वालों की सरगर्मी से तलाश जारी है। एसपी ने कराई जिले भर में कड़ी नाकाबंदी। बयाना डीवाईएसपी अजय शर्मा कर रहे हैं सघन तलाशी। सांसद रंजीता कौली पर है ये तीसरा हमला उन पर है। तो ऐसे में तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही फोटो है जिस पर जिंदा कारतूस चिपका हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही हमले के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि भरतपुर सांसद रंजीता के घर पर फायरिंग हुई है। धमकी भरा एक खत भी मौके पर मिला है। फोटो पर जिंदा कारतूस चिपका हुआ मिला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कारतूस की जो फायरिंग के दौरान था, तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिंदा कारतूस की जो फोटो पर चिपका हुआ मिला है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो सांसद रंजीता की तबीयत कैसी है इस वक्त, क्या सुधार उनकी तबीयत में है और साथ ही कुछ पता लग पाया अब तक की तलाशी में? देखिए, रात को जो रंजीता कोली उनकी आवाज पर 12 बजे के करीब फायरिंग की घटना सामने आई है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो रंजीता कोली के जो परिवार के लोगों उनका कहना है कि एक जो खोखला कारतूस का वो मिला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन ये पहली मरतबा सांसद पर हमला नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बैर के दर्शनौनी गांव में उन पर टावर तोड़ हमला हुआ, उनकी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया था। आज दोबारा फिर उन पर हमला हुआ है। लगातार दूसरी बार ये घटना सामने आई है कि सांसद रंजीता कोली पर हमले होने की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पहले भी जो हमला हुआ उसके अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए, लेकिन ये दूसरा हमला ये हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सांसद रंजीता कोली देर रात को बेहोश हो गई, जहाँ उनको बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 बजे के करीब उनको वापस घर लाया गया, जहाँ वो स्वस्थ थी। रवि, ये भी जानना चाहेंगे जो धमकी भरा खत मिला है उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई मसला उसमें जुड़ा हुआ है? देखिए, जो पत्र है, धमकी भरा पत्र है, उसमें सांसद रंजीता कोली कौर को लेकर एक धमकी दी गई। इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि दलित और दलित बनकर रहे तू मानेगी नहीं, ना आते ही सांसद गिरी हम पर निकाले, कुछ अपशब्द भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो वहाँ सांसद रंजीता कोली के आवास पर जो बयान है, जो आवास है, उन पर वहाँ हमला किया गया है। लेकिन सांसद का हमला होना पहली बात नहीं है, दूसरी बार बड़ा हमला देखा गया है, लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ खाली है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।